नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे में आप लोगों की पता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए जो है पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें जो है 3 लाख छात्र एवं छात्राओं ने जो है आवेदन कर चुके हैं। और जो भी छात्र एवं छात्राओं ने वंचित है, अभी तक आवेदन नहीं किए, तो उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं से अपील किया गया है ताकि वे जल्द से जल्द यहाँ पर आवेदन कर पाए। ये जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है सभी छात्र एवं छात्राओं के खाते में 110% मैं गारंटी देता हूँ, 100% जो है सभी छात्र एवं छात्राओं के खाते में स्कॉलरशिप आएगा तो आएगा, यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ। अब आप लोगों की मन में ये सवाल जरूर है कि ये स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, यानी कि किस किस क्लास के छात्र एवं छात्राओं की मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा ये सबको जो है यहाँ पर कितना जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ये सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को लेकर है, जिसमें जो है 50,000 छात्र एवं छात्राओं ने जो है आवेदन कर सकते हैं। 50,000 छात्र एवं छात्राओं को मौका दिया गया है, तो उसमें कौन से छात्र एवं छात्राओं ने आवेदन कर सकते हैं और जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए जो आवेदन किए हैं तो उनके खाते में कितना पैसा आएगा और किस डेट से जो है ये पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जो भी छात्र एवं छात्राओं ने आवेदन नहीं किए हैं उनसे जो है यहाँ पर अपील किया गया है कि आप लोग फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा जानकारी जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इलो ट्यूटर एप्लीकेशन भारत का सबसे सुविधाजनक एप्लीकेशन, आप केवल 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। किसी को भी कहीं से भी कभी भी बिना परेशानी के पढ़ाए आप केवल उन विषयों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप 1 या 2 विषयों में अच्छे हैं तो फिलो से जुड़ सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को भरिए, फिर आप अपने नेम, प्रोफाइल फोटो, पैन डिटेल और टीचिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। आप रोजाना 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये कमा सकते हैं, तो आज फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों की YouTube पर अभी तक जो है कोई नहीं बताया है कि ये छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप आप लोगों को कितना मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए खर्च होंगे लगभग जो है 2.60 अरब रुपए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3 लाख आवेदन जो है आए हैं, यानी कि 3 लाख छात्र एवं छात्राओं ने जो है आवेदन कर चुके हैं। अभी ये भी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ के छात्र एवं छात्राओं ने ज़्यादा जो है इसमें आवेदन दिया है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लगभग 3 लाख छात्र आवेदन जो है करवा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक छात्र मैट्रिक पास +2 के छात्र हैं, यानी कि मैट्रिक इंटर के छात्र हैं, और जिनकी पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से लगभग 2.40 अरब रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन में 18 दिन शेष है, यानी कि जैसे मैं आप लोग की पता है कि 31 अक्टूबर तक जो है डेट को बढ़ा दिया गया है, अभी जो है यहाँ पर 18 दिन बचे हुए हैं। आप लोग 18 दिन के अंदर जो आप लोग आसानी से आवेदन कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेकर जो आप लोग को प्रॉब्लम है कि कहां से बनेगा कैसे बनेगा, ये भी मैं जानकारी देने वाला हूं। यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसे में छात्रों की संख्या 3.5 लाख से अधिक होने की संभावना है, जो यहां पर 18 दिन शेष बचे हुए हैं। वही यहां पर जो है 31 अक्टूबर के बाद छात्रों के आवेदनों की जांच होगी। अगर 31 अक्टूबर से डेट आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहां पर आवेदन का डेट समाप्त होगा वैसे सत्यापन शुरू, अगर 31 तक लास्ट डेट रह जाएगा, अगर डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो यहां पर 31 अक्टूबर के बाद से जो है छात्रों के आवेदनों की जाँच जो है शुरू हो जाएगी और जनवरी तक छात्रों के खाते में पैसे जो है ट्रांसफ़र होने की अनुमान है। यानी कि जो भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप लोग के खाते में जो है जनवरी तक जो है पैसा जाने की उम्मीद है यहाँ पर। हालांकि सर्वर में होने वाली दिक्कत से छात्रों को आवेदन में जो है परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए आवेदन की तिथि जो है आगे बढ़ने की जो है यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। आवेदन करने वालों में जो है सबसे अधिक 8,550 छात्र औरंगाबाद की है, जबकि सबसे कम 800 छात्रों ने जो है सुपौल से आवेदन किया है। पटना में लगभग जो है 3400 छात्रों ने आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन करने वाले छात्रों में जो है यहाँ पर EBC से जो है बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं ने आवेदन किया, यानी कि 1,20,000 छात्र एवं छात्राओं ने EBC कैटेगरी से जो यहाँ पर आवेदन किए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो यहाँ पर किया है। वही यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते 18 लाख छात्रों का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। बिहार के 38 जिलों में जो है स्थित 7,971 संस्थानों में
5.18 लाख छात्र जो यहाँ पर रजिस्टर है, जिसमें जो है 10+2 के 4,915 जो है यानी कि 4,915 संस्थानों से जो लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके साथ ही 1,226 ITI और पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा करने वाले 70,000 छात्रों का जो है रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ ही 1,791 PG और UG संस्थाओं के लगभग जो है 1.40 लाख छात्रों का जो है रजिस्ट्रेशन है, जिसमें सबसे अधिक बच्चे जो यहाँ पर EBC के है, यानी कि जो है ABC के बच्चे जो यहाँ पर सबसे अधिक है। अभी आप लोगों की मन में काफ़ी दिन से ये सवाल है कि जो भी यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उनको यहाँ पर कितने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पर सारा का सारा बताया गया है। यहाँ पर अभी तक जो है जारी नहीं किया गया था कि कितना जो है ये राशि मिलेंगे। तो रुपये जो है 15,000 तक जो है छात्रवृत्ति, यानी कि लास्ट जो है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर 15,000 रुपये मिलेंगे। इससे ज़्यादा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया शिक्षा विभाग द्वारा, इसमें जो आप लोग आवेदन करेंगे तो 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लास्ट जो है आप लोग को 15,000 तक मिलेंगे। आवेदन छात्रों की फॉर्म को वेरिफिकेशन के बाद जो है 2,000 से 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, और न्यूनतम जो है यहाँ पर कम से कम 2,000 और अधिकतम जो यहाँ पर आप लोग की 15,000 रुपये जो है यहाँ पर दिए जाएंगे और कम से कम 2,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। 10+2 IAISC और छात्रों को लिए जो यहाँ पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, स्नातक को 5,000 और PG को 5,000, ITI के लिए भी 5,000 दिए जाएंगे, और इंजीनियरिंग मेडिकल विधि एवं तकनीकी कोर्स के लिए भी इसके लिए यहाँ पर 15,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। किसके लिए? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल विधि एवं तकनीकी कोर्स के लिए 15,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। यहाँ इससे छात्र को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीब छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जा रही है। 31 अक्टूबर तक छात्र आवेदन जो है कर सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है, डेट आगे भी बढ़ सकता है। आप लोग जो है पहले 31 तारीख से पहले ही आप लोग आवेदन कर लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस दौरान यदि आवेदन में कोई दिक्कत हो रही है तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसे तत्काल जो यहाँ पर दूर किया जाएगा। अगर आवेदन में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पर जो अधिकारियों द्वारा जो है तत्काल जो यहाँ पर दूर किया जाएगा, साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। वहाँ वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम है आवेदन करने के लिए। तो आप लोग आवेदन नहीं किए हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते तो आप लोग जो भी एडमिशन करवाए होंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक रिसिप्ट मिला होगा, एडमिशन रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है सभी स्कूल कॉलेज में बन रहा है। आपको अपने स्कूल कॉलेज में जाना है और 2 फॉर्म जो है मिलेगा इस प्रकार से, जैसे मैं देख रहे हैं इस फॉर्म को जो है आप लोग को आपका हर स्कूल कॉलेज में अलग अलग फॉर्म है, आप लोग को दोनों फॉर्म भर देना है और अपना कॉलेज में जो है डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे, आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट तत्काल बनाकर दे दिया जाएगा। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट एडमिशन फीस रिसिप्ट तो आपके पास होगा ही, आपको जो है टेंशन ही खत्म, और जो भी यहाँ पर मार्कशीट और जो भी आधार कार्ड और जाति आय निवास प्रमाण पत्र ये सब तो जो है आपके पास होगा ही, तो आप लोग आवेदन कर सकते। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखकर आवेदन कर सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो है, फुल जानकारी जो उसमें दी गई है आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर आसानी से। अब देखिए ये जो है छात्रवृत्ति, यहाँ पर देख सकते हैं इंटर के 50,000 छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में आवेदन करने की मौका जो है दिया गया है। अब जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट 2021 में उत्तीर्ण आने की पास जो है 50,000 छात्रों को इस बार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में आवेदन का मौका जो है मिलेगा दिया गया है। वे आवेदन भी कर रहे हैं और कितना जो यहाँ पर आवेदन भी कर चुके हैं, जिनको मौका मिलेगा इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। इसमें इंटरमीडिएट 2021 में उत्तीर्ण 20,000 परसेंटाइल वाले छात्रों को शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि हर साल सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की तिथि जारी की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि NSP खोला जाता है, इस पर जाकर छात्रों को आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए हर बोर्ड कट ऑफ जारी करता है, आप किसी भी स्टेट से हो, आप लोग का जो भी बोर्ड होंगे वे बोर्ड जो है कट ऑफ जो है जारी करता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है, उसमें बहुत सारे छात्र यानी कि 50,000 जो छात्र एवं छात्राओं ने इंटर में शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं कोट ऑफ भी जारी किया गया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा हूँ, यानी कि 8 साइंस कॉमर्स में कितना कोट ऑफ है कि अलग अलग कास्ट में अलग अलग जो यहाँ पर कोट ऑफ जारी किया गया है। इसमें शामिल छात्र ही इस पोर्टल पर जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि जारी की जा चुकी है, छात्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है। तीनों संकाय के छात्रों के लिए मौका देश के
साथ विदेश में चल रही है। तमाम तरह की छात्रवृत्ति पाने का मौका छात्रों को मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा यह छात्रवृत्ति शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति विज्ञान, वाणिज्य और कला अनेक संकाय यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स यानी कि इन तीनों संकाय को जो है यहाँ पर आवेदन के बाद जो है मिलती है जानकारी। जो छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं आए दिन छात्रवृत्ति की जानकारी दी जाती है। छात्रों को उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर जानकारी भेजी जाती है, यानी कि अगर आप लोग इसमें एक बार रजिस्टर हो जाते हैं इस पोर्टल पर तो आप लोग को तरह तरह स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए जानकारी दी जाती है मोबाइल नंबर यानी कि मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर साफ साफ जो है बताया गया है और यहाँ पर कोटा देख सकते हैं, वेबसाइट पर अपलोड है। आप लोग जाकर सरकारी सेंटर आप लोग लिख कर आप लोग सर्च कीजिए, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जो भी कोटा लिस्ट जारी किया गया आप लोग स्कॉलरशिप कैटेगरी में जाकर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यही जो ये खबर निकल कर आ रही थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।